चलिए गाइस, वी ऑल शैल बी स्टार्टिंग नाउ। हमारे ऑलमोस्ट जो फीफो मेथड वाले क्वेश्चंस थे, दोज आर ऑल डन नाउ। नाउ व्हाट वी ऑल आर स्टार्टिंग इज दैट वन क्वेश्चन स्टिल ऑन फीफो मेथड होंगे, आई एम नॉट शिफ्टिंग टू लीफो मेथड, लेकिन वहां पर प्रोसेस वन भी आ जाएगा, प्रोसेस टू भी आ जाएगा, डेटा विल बी इन केजीज। ओके, सो आई वॉन्ट टू बी सींग हाउ गुड यू ऑल आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग फॉर दैट। ठीक है, और इसके ना वो वाले फंडे भी आ जाएंगे जो हम लोगों ने फर्स्ट थ्री क्वेश्चन के अंदर किए, जहां पे वो नॉर्मल कॉस्ट वगैरह आता था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17B, ऑल्दो हैज गॉट नथिंग टू डू विद 17A, प्लीज पढ़िए जरा प्लीज। अ कंपनी विद इन द फूड इंडस्ट्री मिक्सेस पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स इनटू डिफरेंट प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन बिकम्स द इनपुट ऑफ प्रोसेस टू एंड द आउटपुट ऑफ प्रोसेस टू, ये अंडरलाइन करना, इस पैकिंग टू इस ट्रांसफर टू पैकिंग डिपार्टमेंट अकाउंट। चलिए ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन द अकाउंट फॉर प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, एबनॉर्मल लॉस एंड पैकिंग डिपार्टमेंट अकाउंट। तो आपको P1 चाहिए, P2 का अकाउंट चाहिए, एबनॉर्मल लॉस चाहिए और पैकिंग डिपार्टमेंट अकाउंट भी चाहिए। ठीक है, पैकिंग डिपार्टमेंट अकाउंट वंस विल रीच देर यूल कम टू नो फ्यू थिंग्स, लेकिन अभी के लिए वो आगे करते हैं। And to record the transactions for the week ended 11th of May. चलो ठीक है, प्रोसेस वन इनपुट मटीरियल ए 6000 kgs एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर केजी, मटीरियल बी 4000 kgs एट द रेट ऑफ ₹1 पर केजी। मिक्सिंग लेबर मतलब वो वाला लेबर, ओके, जो ए और बी को मिक्स करता है, ठीक है, 430 आवर्स एट द रेट ऑफ 2 per hour, आगे ₹860 लिख देना। तो अपने लिए लेबर कॉस्ट ₹860 है। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ वेट इनपुट डिस्पोज ऑफ एट 16 पैसे पर केजी, आउटपुट 9200, अ लाइन दैट विल मेक आर जॉब वेरी सिंपल, नो WIP एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द वीक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना था? 0। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना था? 0। और यहां पे अगर देखोगे ना, किधर भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन वगैरह नहीं दिया, अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन वगैरह नहीं दिया तो दिस विल बी अ प्रॉब्लम विच इज सिमिलर टू योर फर्स्ट थ्री क्वेश्चन। हम लोग नॉर्मल कॉस्ट निकाल के आगे बात करेंगे, इज दैट ओके? यस सर। और ये वाला ब्रैकेट फिर से देखो, तुमको 300 का एबनॉर्मल लॉस दिखना चाहिए, 300 किलो का। यस सर। सब लोग चेक करो, सब लोग को दिखना चाहिए 300 का एबनॉर्मल लॉस। यस सर। मटेरियल ए 6000 किलो था, मटेरियल बी 4000 किलो था, तो इनपुट हो गया 10,000, उसका 5% बोले तो 500, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट 9500 आना चाहिए था एक्सपेक्ट, लेकिन एक्चुअल आउटपुट 9200 आया, तो 300 का एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। अच्छा देखो, उन लोगों ने यहां पे ना मेरे को क्या क्या कॉस्ट दिया, मटेरियल ए दिया, मटेरियल बी दिया, तो मटेरियल दिया मतलब, ठीक है, लेबर भी दिया, ओवरहेड्स अभी तक नहीं दिया, आगे देख लेंगे। आगे प्रोसेस टू इनपुट मटेरियल सी 6600 kgs एट द रेट ऑफ 1.25, मटेरियल डी 4200 kgs एट द रेट ऑफ 0.75, फ्लेवरिंग एसेंस बस टेस्ट के लिए कुछ डाला हुआ है, ओके, आगे मिक्सिंग लेबर 370 आवर्स एट द रेट ऑफ 2 per hour, तो मल्टीप्लाई कर लो 740 आ जाएगा। नॉर्मल वेस्ट 5% ऑफ वेट इनपुट विद नो डिस्पोजल वैल्यू, आउटपुट 18,000 kgs। अच्छा, नो डिस्पोजल वैल्यू मतलब यहां पे स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, आगे नो WIP एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक बट 1000 kgs इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द वीक। तो इस क्वेश्चन के अंदर
वो लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस टू के अंदर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी तो था। कितने केजीज का? 1000 केजीज का। एंड एस्टिमेटेड टू बी ओनली 50% कंप्लीट एज रिगार्ड्स लेबर एंड ओवरहेड्स वर कंसर्न। चलो ठीक है, देखो ओवरहेड्स के बारे में उन लोगों ने अभी दे दिया। ओवरहेड्स ऑफ 3200 इनकर्ड बाय द टू प्रोसेसेस आर टू बी एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड बोले तो डिवाइडेड। वो लोग इसके बदले में वर्ड एलोकेटेड भी लिख सकता है, ठीक है। ओवरहेड्स ऑफ 3200 इनकर्ड बाय द टू प्रोसेसेस आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो जरा क्या लिखा है, मिक्सिंग लेबर आवर्स। तो देखो जरा बोलो 3200 किस रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएगा? मिक्सिंग लेबर आवर्स। मेको नंबर्स बोलो ना, मेको नंबर्स बोलो ना। 43:370 या फिर सॉरी 430:370 इन द रेशियो ऑफ आवर्स ओवर हियर, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अभी क्या करते हैं, दो मिनट के लिए आप लोगों को वेट करने का है। सुनो आप लोग क्या करोगे, प्रोसेस वन अकाउंट बनाएंगे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 8 लाइंस के लिए जैसे हमेशा बनाते हैं। उसके बाद ना 5 लाइंस बैलेंस रखेंगे, एक ब्लैंक रखेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कॉस्ट, ठीक। एक बार वो हो जाएगा उसके बाद प्रोसेस टू अकाउंट वो बनाएंगे हमेशा की तरह फॉर 8 लाइंस ओनली। एक बार वो हो जाएगा फिर उसके बाद सम ने ही अपने को बोला था एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना। एक सेकेंड, एक काम जरा करते हैं, ये जो एबनॉर्मल लॉस है ना वो प्रोसेस टू के अंदर आ रहा है, तो क्या कर लेते हैं प्रोसेस वन अकाउंट बनाएंगे उसके बाद उसी का एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट फॉर 4 लाइन्स, उसके बाद नॉर्मल कॉस्ट का कैलकुलेशन के लिए तकरीबन 5 लाइन्स यू ऑल कैन कीप ब्लैंक, उसके बाद प्रोसेस टू अकाउंट बना लेंगे ओके अप्रोक्सीमेटली फॉर 8 लाइन्स, और उसके बाद ना एक पैकिंग डिपार्टमेंट अकाउंट जो सामने अपने को पूछा हुआ है वो 4 लाइन के लिए बना देना, दैट विल बी इनफ, ठीक है। ये वाले अकाउंट तुम लोग बनाओ, बस जहां पे नॉर्मल कॉस्ट है वहां पे कोई अकाउंट वगैरह वो मत बनाना, ये वाला काम करो क्वांटिटी और अमाउंट के साथ। दीज आर ऑल दोज अकाउंट जो उन लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अपने को पूछा हुआ है। डिपार्टमेंट कितने लाइन पे है? 3 या 4 लाइन्स बस। साक्षी आपको पता चल जाएगा प्रोसेस टू के अंदर वो सिचुएशन ही नहीं आएगी, अगर आएगी तो बना लेंगे बेटा बाद में। एक मिनट में स्टार्ट करो। प्रोसेस टू के बाद अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस है बेटा, प्रोसेस टू
दोज गाइज हैव नॉट आस्क दोज अकाउंट्स, और ये जो एबनॉर्मल लॉस है ना सिर्फ प्रोसेस वन के अंदर ही आएगा, 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा, प्रोसेस टू के अंदर ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट्स उन लोगों ने वो पूछा नहीं, इसलिए वो बनाया नहीं है, सिर्फ वी हैव मेड दोज अकाउंट दैट दोज गाइज हैव आस्क्ड। यस सर, प्रोसेस टू में कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं। चलो सुनो मेरी बात, आई एम स्टार्टिंग विद द थिंग्स नाउ, लिसन। तो सबसे पहले यहां पर टू लिखिए मटेरियल, लेकिन याद रखना एक तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी नहीं है, दिस इज सिमिलर टू योर फर्स्ट 2 or 3 क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव डन। लेकिन मटेरियल्स दो टाइप का है, तो यहां पे टू मटेरियल्स ए, टू मटेरियल्स बी। तो मटेरियल ए 6000 किलो एट 50 पैसे, तो 6000 किलो 3000। मटेरियल बी 4000 केजीस एट रुपी 1, तो 4000। आगे यहां पे आ जाएगा टू लेबर, यू कैन राइट डाउन टू मिक्सिंग लेबर ऑल्सो, दैट्स ओके, वो अपनी मर्जी है। उसका कैलकुलेशन यहां पर भी दिखा देना, इट विल बी बेटर। 430 इंटू 2, कई लोग गलती से 430 को क्वांटिटी के अंदर भी डाल देते हैं, प्लीज ऐसा मत करना प्लीज, दिस इज 860। उसके बाद एक चीज खा मत जाना, मेरे को बोलो एक और चीज यहां पर बाकी है आना, क्या ओवरहेड्स, और वो अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओवरहेड्स 3200 का था, डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 430:370, सो 3200। एनी कैलकुलेशन दैट यू एवर परफॉर्म उसको या वर्किंग नोट के थ्रू दिखाओ, अगर टाइम कम है तो उधर ही दिखा दो, दैट्स ओके, अगर छोटा सा चीज है तो। 800 इज टोटल ऑफ 430 एंड 370 प्लीज। 3200 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 80, 1720। ठीक है, आगे यहां पे आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस, अच्छा नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ टोटल इनपुट, सो 5% ऑफ 10,000 दैट्स 500। अच्छा नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस वन इज स्क्रैप्ड ऑफ एट व्हाट प्राइस, 16 पैसे, तो 500 इंटू 0.16 प्लीज, दैट विल बिकम 80। चलो सुनो, अभी सब लोग एक काम कर रहे हो, नॉर्मल कॉस्ट के लिए तुमको जो भी चाहिए तुम लोगों ने प्रोसेस अकाउंट के अंदर लिख लिया है, पहले फॉर्मूला लिखना और फिर नॉर्मल कॉस्ट निकालना, सब लोग ये वाला काम खुद ब खुद करो। आई एम ऑल्सो डूइंग दैट ऑन कैलसी ओनली, बट आई विल डू दैट ओनली ऑन कैलसी। फॉर्मूला सब लोग लिखना प्लीज, मैं छोटा छोटा आंसर वो लिख रहा हूं। प्रथम ठीक है, कई लोगों को कुछ और आ रहा है, तो बेटा यू माइट बी डिवाइडिंग बाय एक्चुअल आउटपुट, यू हैव टू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट,
सो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स, ओके, इन दिस केस लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट. ये वाला आंसर जरा वो निकालो. आई विल जस्ट बी बैक, जस्ट गिव मी अ सेकंड. शायद राउंडेड आउट है ना. इट इज नॉट अ राउंडेड ऑफ आंसर बॉस, इट इज एग्जैक्ट आंसर. एग्जैक्ट आता है, एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट आता है. तूने फिर स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस नहीं सब्ट्रैक्ट वो किया रहेगा, एग्जैक्ट वन आता है, कोई राउंडिंग ऑफ वगैरह नहीं. सर 1.05 आ रहा है. नहीं आता, तूने 9200 से डिवाइड किया रहेगा. 3000 प्लस 4000 प्लस 860 प्लस 1720 लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट, दैट्स 10000 माइनस 500 रुपी वन. चलो सुनो, जो भी प्रोसेस वन से प्रोसेस टू को जाएगा, तो यहां पे लिखना बाय प्रोसेस टू. टेक्स्ट बुक है ना, जरा चेक करो प्रोसेस वन से प्रोसेस टू कितना आउटपुट गया है. 9200 ऑब्वियसली दैट विल गेट ट्रांसफर्ड एट द रेट ऑफ रूपी वन, 9200. एंड ऑफकोर्स यहां पर देर इज एबनॉर्मल लॉस. वैसे भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर ही आ रहा है, तो वो वही होगा. So therefore, by abnormal loss at the rate of rupee 1, 300 at the rate of 1, that is 300. सब लोग abnormal loss account खत्म करना, उन लोगों ने normal loss account तो पूछा ही नहीं हुआ. So let's not even think of that also. कई questions के ना मैं charity के लिए वो कर देता हूँ, but in exams it is not required. एट्टी है ना बेटा, 16 पैसे मैंने लिखा तो हुआ इधर. डिस्पोज्ड ऑफ एट 16 पैसे पर केजी, तो वही लिखा हुआ है. ठीक है चलो, तो यहां पे आ जाएगा टू प्रोसेस वन, 300 300. यहां पे आ जाएगा बाय कैश बैंक 300 एट द रेट ऑफ 0.16, 48 आ जाएगा, 252 बैलेंसिंग फिगर. दिस विल बी बाय कॉस्टिंग पीएनएल. वीरल करेक्ट है बेटा. चलो तो एवरीबडी इज डन विद दिस. Yes, sir. Now we are moving ahead now to process 2 over here. Okay, Suni. Process 2. Sun. Process 2 ke andar ek cheez jo yahan par likha hua tha, ek second. Jo yahan par likha hua tha ki yahan pe na koi opening stock nahi hai at the beginning of the week, lekin closing hai 1000 ka, theek hai? To abhi opening nahi likhta kyunki wo hai hi nahi. तो सबसे पहले प्रोसेस वन से जो एंट्री आई वो तो मारनी पड़ेगी. टू प्रोसेस वन ब्रैकेट में मटेरियल 9200 आया, 9200 ऑब्वियसली यही वाली एंट्री जो अभी अभी लिखी थी हम लोगों ने, यही वाली एंट्री. अच्छा उसके बाद यहां पर आई एम राइटिंग फ्यू थिंग्स, यू ऑल कैन कॉपी, फिर उसके बाद तुम लोग अमाउंट्स पीछे से देख के वो करते रहना. मटेरियल सी, मटेरियल डी, उसके बाद एक फ्लेवरिंग एसेंस था वो भी अपना कॉस्ट ही है, उसके बाद लेबर था वो भी अपना कॉस्ट ही है, उसके बाद ओवरहेड्स जैसे पिछली बार डिवाइड किया था वो भी डिवाइड करना. ये चीजें लिखो. एंड नाउ आई एम टर्निंग बैक टू द क्वेश्चन, सो यू ऑल कैन स्टार्ट टू राइट डाउन द नंबर्स प्लीज. ठीक है, आई एम टर्निंग बैक नाउ. तो यहां पर ऑब्वियसली सी का क्वांटिटी भी लिखेंगे बिकॉज इट विल एड द वेट ओवर हियर.
at the rate of 1.25. So 6600 into 1.25, 8250. उसके बाद जो C है 4200 at 0.753150. फ्लेवरिंग एसेंस 330 रुपीस का है, लेबर जो है 740 का है, और ओवरहेड्स 3200 1480. ठीक है, सो क्रेडिट साइड पे आइए, लिखिए बाय नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस देखो 5% ऑफ वेट इनपुट. बेटा वेट इनपुट मेरे ख्याल से इन्हीं तीनों चीजों का टोटल होएगा, तो 9200 तो 20,000 आता है, तो 5% ऑफ 20,000 तो 1,000 हो जाएगा. अच्छा, उन लोगों ने लिखा हुआ था विद नो डिस्पोजल वैल्यू, तो यहां पे स्क्रैप वैल्यू जीरो हो जाएगा. अच्छा आगे, आउटपुट इज 18,000 केजीज. अभी प्रोसेस टू से ना गुड्स पैकिंग डिपार्टमेंट को जाएगा. इनफैक्ट उन लोगों ने शायद शुरू में अपने को ये वाली राम कहानी तो बोली थी, आउटपुट ऑफ प्रोसेस टू इज ट्रांसफर टू पैकिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, पैकिंग डिपार्टमेंट को 18,000 यूनिट्स जाएगा. और बाकी और कुछ एबनॉर्मल लॉस वगैरह मत बोलना प्लीज, यहां पे लिखा हुआ है 1000 केजीज विल बी क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, अभी ये वाला जो चीज है ना, यहां पे लिख के तो चलो वो रख दो, और तो कुछ नहीं कर सकते, इतना काम कर सकते हैं, बाकी उसके बाद वो देखेंगे. चलो अच्छा सुनो, मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के अंदर अभी प्रोसेस टू के लिए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली यस सर, ऑब्वियसली यस सर, क्योंकि सम के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आया तो वो लोग स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी तो देगा ना बॉस. ओके, तो ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस जरूरत अपने को पड़ेगी. ठीक है, वी विल रिक्वायर दैट पर्टिकुलर थिंग. इफ वी विल रिक्वायर दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट फिर स्टार्ट करते हैं, एक मिनट के लिए वेट करना. दिस इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट. ठीक है, यू विल बी राइटिंग द कंप्लीट फॉर्म, बट आई एम राइटिंग स्पेसिफिकली ऑफ प्रोसेस टू, क्योंकि दो प्रोसेसेस हैं. ठीक है, एक यहां पे टोटल. अब तुम लोग को अराउंड दो लेक्चर्स का सॉलिड एक्सपीरियंस है. ठीक है, मेरे को सोच के बोलना यहां पे मैं कितने कॉलम्स बनाऊं इन एग्जाम. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल कम टू योर माइंड. सर कितने बोलो कौन से दो? अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरे को एक्चुअली ना मटेरियल पूरा है, लेबर केजीज में. सुनो चुप करो सुनो, मैं क्या बोलता हूं, मैं अभी तुमको ऑप्शन देता है दो कॉलम के तीन कॉलम, सोचना आराम से. सुनो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो. अभी तुम लोग देखो, एक यहां पे आ जाएगा. हमने कैसे ये वाला चीज वो सीखा हुआ है, जितने एक्सपेंसेस डेबिट साइड में है ना, हर एक के लिए एक एक कॉलम. तो एक P1 मटेरियल हो गया. ठीक है, एक उसके बाद यहां पर इस प्रोसेस का मटेरियल हो गया, इस प्रोसेस का. ठीक है, और उसके बाद यहां पे लेबर एंड ओवरहेड्स, इतने कॉलम आएंगे. ऑल दो वंस आई विल सॉल्व दिस नो, तुम लोग को शायद रियलाइज हो जाए कि सर अगर आप दो कॉलम भी बनाते ना तो भी काम अपना हो ही जाता. ओके, लेकिन वो ना ये बनाने के बाद आई ट्राई टू बी सेइंग ओके, ताकि कुछ डाउट वगैरह ना आए. वो शुरू में ही आई विल बी डूइंग नो, तो तुम लोग को फिर दिक्कत होगा. ये बनाओ जरा प्लीज. बेटा वो मटेरियल के अंदर ही आ जाएगा. ओके सर.
आगोश दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ मटीरियल. सो मैंने उसी रीजन की वजह से बराबर है प्रथम जो आपने बोला. अच्छा सुनो, अब सब लोग मेरे को एक चीज जरा बोलना. तुम्हारे पास यहां पे अकाउंट है. बाय डिफॉल्ट वी ऑल फॉलो विच मेथड? फीफो. लेकिन अभी तुमको समझ में आएगा फीफो या लीफो या बेरिला. मेरे को एक्चुअली बोलने की अभी इस क्वेश्चन के ना कोई जरूरत ही नहीं. फीफो का मतलब जो पहले स्टार्ट हुआ वो पहले खत्म हुआ. बेटा पहले कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं ना. तुमको समझा जो मैंने बोला? यस सर. क्योंकि ओपनिंग डब्ल्यू आई पी तो था ही नहीं. तो ऑनेस्टली यहाँ पे तुम लोग मेथड नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. तो बोलते सर मेरे को ब्रेकअप करने का है. मैंने कल वो बोला भी था. ऑनेस्टली आप लोगों को ब्रेकअप्स करने की जरूरत तो पड़नी चाहिए, ठीक है? लेकिन अभी मैं क्या ब्रेकअप करूं? वाई आई एम आस्किंग यू दिस और वाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस. सोचो जरा, खुद ब खुद सोचो. यहां पर कितनी लाइंस आएंगी? मैं यहां पे कितनी लाइंस लिखूं? टू. वन विल बी स्टार्टेड एंड फिनिश्ड. आगे एक और लाइन बोलो. वन विल बी स्टार्टेड एंड नॉट. अभी मैं क्या ब्रेकअप करूं यार? ओके, इट फील्स वेरी स्टूपिड फॉर मी. वन इज दिस थिंग मस्ट हैव बीन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन दिस पीरियड ओनली, क्योंकि पहले तो कुछ था ही नहीं. एंड दिस इज नथिंग बट स्टार्टेड एंड नॉट फिनिश्ड. ओके, तो बस दो ही चीजें लिखने का है और कुछ नहीं. तो यहां पर जरा लिखो स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, और यहां पर लिख देना स्टार्टेड एंड नॉट फिनिश्ड. तो ये 18,000 है, ये 1,000 है. सुनो, अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? तुमको 6 फिगर्स लिखने का है. मैं एक ही चीज का हिंट दूंगा, एक ही चीज का हिंट. डेटा इज इन केजीज. ओके, मैं तुमको बोला था मैं माइक्रोस्कोप से पहले माइक्रोस्कोप लेकर मैं वही देखता हूं कि डेटा केजीज के अंदर तो नहीं है. हम लोगों ने केजीज वाले क्वेश्चन करके रखे हुए हैं. अगर किसी को क्वेश्चन चाहिए तो मैं अब बता रहा हूं. ओके, आराम से देखो और वो 6 नंबर कंप्लीट करो. मेरे को आंसर मत बताना. आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू ऑल विल बी हैविंग करेक्ट आंसर ओनली. आई नो दैट. लेकिन वो 6 नंबर लिखो तुम लोग. एंड में किसी का गलत होएगा तो मेरे को बताना. वंस आई विल सी द आंसर्स. चलो सुन, आई थिंक सो यू ऑल मस्ट हैव डन. अच्छा, सम थिंग्स आई एम आस्किंग यू ऑल, यू ऑल कैन टेल मी. मेरे को बोलो स्टार्टेड एंड फिनिश्ड हर जगह पे कितना लिखूं? 100. अभी उसके लिए तो हम लोगों ने आजकल दिमाग यूज करना भी छोड़ ही दिया. वो तो अपने को पता ही चल गया. 18,000. पक्की बात है ये वाला फिगर 50% है. वो तो सम के अंदर ही दिया हुआ है बेटा, 500, ठीक है? नाउ कई लोग प्लीज अपना जो स्पीकर है वो दूर रखो प्लीज. ओके, वो रिपीट होती है मेरी आवाज. सुनो अभी, लिसन, अभी ध्यान से सुनना. मेरे को बोलो ये वाला नंबर कितना आएगा? 100. ये 100 आएगा. ओके, कैन आई नो द रीजन? क्योंकि मटेरियल आया होता ना पेपर से, तभी तो ओपन नहीं किया, गुड में डाले. एवरीथिंग इन प्रोसेस टू, ये हम लोगों ने कल ही किया था. प्रोसेस वन हैज टू बी फुल्ली कंप्लीट फ्रॉम प्रोसेस वन पॉइंट ऑफ व्यू. नो, ये आप लोगों ने कल ही मेरे ख्याल से ये वाला चीज सीखा. एवरीथिंग इन प्रोसेस टू
उनको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस वन ने कंप्लीट नहीं किया तो प्रोसेस टू को कैसे भेजा? तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इन प्रोसेस टू हैज टू बी फुल्ली कंप्लीट फ्रॉम प्रोसेस वन पॉइंट ऑफ व्यू. तुम लोग यहां पे 100% के इधर एक एरो मारो और डिट्टो ये वाले वर्ड्स लिखो, एवरीथिंग इन प्रोसेस टू, एवरीथिंग इन प्रोसेस टू हैज टू बी फुल्ली कंप्लीट from process one point of view. अच्छा एक और चीज मेरे को जरा बोलो कि यहां पर यहां पर यहां पर क्या परसेंटेज आएगा? 100 मेरे को बोलो क्यों? डेटा इज गिवन इन केजीज. आई थिंक दैट एक्सप्लेनेशन इज मोर देन इनफ फॉर एवरीथिंग. अगर किसी को नहीं याद आता जो दो दिन पहले किया था तो तब तुमको कुछ ऐसे बोला था, दिस इज 1000 किलो ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, नेक्स्ट ईयर के अंदर दिस विल बिकम 1000 किलो ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, एंड नेक्स्ट ईयर 1000 किलो ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी विल बिकम 1000 किलो ऑफ फिनिश गुड्स ऑल्सो. तो नेक्स्ट ईयर क्या मेरे को और मटीरियल डालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि सारा मटेरियल इसी पीरियड के अंदर डाल दिया. ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिखो 100% और यहां पे लिखना डेटा इन केजीज. तो ये आ गया 1000, ये आ गया 1000, तो दिस इज 19000, दिस इज 18500. चलो सुनो, इसलिए somebody had told me this particular thing also. अब तुमको समझ में आएगा, एटलीस्ट ये करने के बाद तो तुम लोग को स्ट्राइक हो जाएगा, सर अगर ये दोनों का एक सिंगल कॉलम भी बनाते ना तो भी चलता था. सब लोग को रियलाइज हुआ क्यों? बिकॉज इन एनी केस हम लोगों ने हर जगह पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% ही लिखा हुआ है, तो कंबाइन कर सकते थे, अलग अलग भी रखा, कुछ हर्ज नहीं है. मेरे को अलग अलग वो रखना था ओनली बिकॉज ऑफ इसके 100% का रीजन आई वॉन्टेड टू गिव दैट इन अ सेपरेट वे, इसका आई वॉन्टेड टू गिव इट इन अ सेपरेट वे ताकि वो याद रहे. ओके, सो दैट वॉज बेटर फॉर मी ऑल्सो. ओके, यहां पे अभी जरा लिखो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. अच्छा, तो P1 मटेरियल्स, उसके बाद मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स. ये मेरे साथ ही करना प्लीज. P1 मटेरियल्स मतलब 9200. इस डिपार्टमेंट का मटेरियल बोले तो ये तीन खर्चे 8250 प्लस 3150 प्लस फ्लेवरिंग एसेंस. लेबर एंड ओवरहेड्स मतलब लास्ट दो खर्चे 740 1480. अच्छा, किधर से एक चीज लेस भी करनी होती है, किधर से क्या लेस करना होता है? स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ऑल दो वो जीरो ही है कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, तो वो अपने को P1 मटेरियल में से लेस करने का है, ऑल दो वो जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इट इज बेटर टू बी राइटिंग, दैट्स ओके. डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 19000 18500. टू डेसिमल से राउंड ऑफ कर देना क्योंकि शायद अपने आंसर एग्जैक्ट ना आए. 9200 डिवाइडेड बाई 19000 दैट इज 0.48 0.61 है कि 62 है बेटा, एक बार जरा चेक कर देना. 62 थर्ड.
अभी यहां पर भी अपने एफर्ट बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि यहां पे ओपनिंग स्टॉक नहीं था ना, तो अपना काम बहुत ही कम हो जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ सबसे पहले गुड्स कंप्लीटेड, अच्छा सुनो, गुड्स कंप्लीटेड तुम्हारे अकाउंट के अंदर भी बेटा कोई बाइफरकेशन तो किया ही नहीं आप उन लोगों ने। ओके, बाइफरकेशन की मेरे ख्याल से कोई जरूरत भी नहीं थी अपने को। तो गुड्स कंप्लीटेड इन दिस पर्टिकुलर केस कितना यूनिट्स कंप्लीट हुआ था? 18,000 इंटू 1.22, ये वाला फिगर आ जाएगा 21,960। अच्छा सुनो, मेरे को सोच के बोलना क्योंकि कल अपने साथ ऐसा हो चुका है। आर दीज फिगर्स एग्जैक्ट फिगर्स? नो, सिर्फ 0.12 वाज द ओनली एग्जैक्ट फिगर, फर्स्ट टू फिगर्स वर नॉट एग्जैक्ट। तो अपने को ना वैसे भी एक चीज तो बैलेंसिंग फिगर ही लेना पड़ेगा। ओके तो क्या करो, 21,960 बेटा पहले अकाउंट में तू डाल दे 21,960, क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर तो निकाल दो, क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। सर्कल मार देना, दैट्स योर बैलेंसिंग फिगर। सुनो, शायद अपना भी 1190 के आसपास ही आता। ओके, लेकिन एग्जैक्टली नहीं आ सकता क्योंकि हम लोगों ने पर यूनिट्स को राउंड ऑफ किया था। लेकिन कल वाला ट्रिक ना, अगर टाइम है एग्जाम्स के अंदर तो कर दिया करो, अगर टाइम है तो। तो क्लोजिंग स्टॉक P1 मटेरियल्स, उसके बाद मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स 1000-1500 इंटू 0.48, 0.62, 0.12। तो ये 480, 620, 1160, ये 60, 1160। लेकिन आगे लिख देना राउंडेड ऑफ टू 1190 टू टैली। सर एग्जाम में This is your call. This is your call. तुम लोग note टू अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, balancing figure वो ले लेना। Time होगा अगर presentation करना होगा फिर ऐसे करना, ठीक है, वरना नहीं करोगे it's all okay. But in case you have time, then only you can be doing it. क्या हो जाता है इससे, अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। दिस नंबर हैज ऑलमोस्ट कम नियर टू दिस, मतलब अपना आंसर इज करेक्ट। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट आई टेंड टू बी डूइंग इट। ठीक है, चल। अच्छा, एक अकाउंट अपना वो बाकी था, और एक सेकेंड, 21,960 तो यहां पे लिखिए 21,960। सुनो सुनो सुनो, अभी ना पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को बोलो क्या होता होगा, कॉमन सेंस चीज है, मेरे को बोलो क्या होता होगा। अभी पैक करते हो, पैकिंग के लिए भी मटेरियल वगैरह तो लगता होगा। अभी इन लोग को अपने को देना चाहिए था कि भाई पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितना मटेरियल लगा, फिर उसके बाद उन लोग को अपने को ये बोलना चाहिए था कितने यूनिट्स पैक हो गए, कितने यूनिट्स पैक नहीं हुए। जो यूनिट्स पैक हो जाते हम लोग उसको फिनिश गुड्स को डाल देता, जो यूनिट्स पैक नहीं होते वो पैकिंग डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक रहता। अभी आईसे वो सो स्टूपिड, उन लोगों ने पैकिंग डिपार्टमेंट अकाउंट पूछा तो सही, लेकिन उसके अंदर कोई एक्टिविटी हुआ ऐसा कुछ डेटा ही नहीं दिया। ओके, तो बस उन लोगों ने ये अकाउंट पूछ के ऐसा उसको खुला वो छोड़ ही दिया, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज टू बी डन आफ्टर दिस, क्योंकि अपने को वो मालूम ही नहीं कि पैकिंग डिपार्टमेंट अकाउंट के अंदर क्या हुआ। यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ओके, तो वो इंस्टीट्यूट की गलती है, अपनी कोई गलती नहीं है। अभी पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या हुआ मैं सपना कैसे लूं? ओके, अभी नहीं दिया हुआ, सो इट्स ओके, यू लीव इट ऑफ लाइक दैट। एक्चुअली उन लोगों को या ये बताओ कि क्या हुआ, या फिर पूछो ही मत ना यार, अभी ऐसा एक फालतू सा अकाउंट तो पूछने का क्या जरूरत है। ओके, अभी माफ कर दो इंस्टीट्यूट को। ओके, होता है। चलो सुनो,
योर दिस जॉब इज ऑल टुगेदर डन. अभी इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट्स के अंदर मेरे ख्याल से कुछ लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी. वी ऑल नो ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थ्री साइड्स रखना, उसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए थ्री साइड्स रखना, उसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए थ्री साइड्स. सो नाइन साइड्स ब्लैंक. रुको रुको रुको, थ्री साइड्स और तो 12 साइड्स ब्लैंक. उसके बाद यू आर स्टार्टिंग अवे विद क्वेश्चन नंबर 22. अच्छा, अभी लीफो मेथड ना 99% एग्जाम्स के अंदर नहीं आने वाला. ओके, लेकिन हर जगह पे ना लीफो मेथड का एक बेसिक क्वेश्चन होता है ताकि जस्ट योर थिंकिंग इज डेवलप्ड. ओके, नहीं पूछने वाले क्योंकि अकाउंट्स के अंदर भी अभी AS2 के हिसाब से और लीफो मेथड इज नॉट अलाउड, तो वो लोग नहीं पूछते हैं. ठीक है, बट जस्ट एज अ सेफ्टी नेट आई एम ट्राइंग टू डू वन क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं. सुनो, तुम लोग क्या करो, तुम लोग ना ये वाला क्वेश्चन आराम से पढ़ना जरा. ठीक है, बस एक बेसिक प्रोसेस वन अकाउंट बना के उसके नंबर्स डाल दो. स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट वगैरह कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है. ये वाला सम पढ़ो और इसके जो नंबर्स है ना, बस अपने प्रोसेस अकाउंट के अंदर जिधर आ सकते हैं वो डाल दो. यहाँ पे कोई नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ है ही नहीं. सम क्वेश्चंस आई वांट यू ऑल टू रीड एंड ट्राई टू बी डूइंग इट. ओके, पढ़ो और बस बेसिक काम अपना जो है वो खत्म करो. प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना और कुछ नहीं, मतलब वो नंबर्स भी डालना वो उसके अंदर, उसके बाद वाला काम तो इकट्ठा करेंगे. तुम्हारे पास 3 मिनट है प्रोसेस अकाउंट बस बनाने के लिए और उसके डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे जो नंबर्स दिए हुए हैं डायरेक्टली बस वो डालने के लिए. कुछ कंप्यूट वगैरह वो मत ही करना प्लीज. अरे यार, हाँ करो. They haven't asked us about any process account. They only asked us about the value of the finished. बराबर है, लेकिन बेटा जब तक तू प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाएगी ना तेरे को नहीं आएगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, तू एक काम कर, यू ट्राई टू सॉल्व इट विदाउट द प्रोसेस अकाउंट, आई ट्राई टू सॉल्व इट विद द प्रोसेस अकाउंट. वी विल सी दैट विच आंसर इज करेक्ट. इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग दैट यू आर सेइंग ऑल्सो. बट वी आर डूइंग दिस चैप्टर ताकि वी कैन लर्न हाउ टू वैल्यू द WIP स्टॉक. जब तक आप ब्रेकअप्स वगैरह वो नहीं करोगे ना, यू विल नॉट गेट द वैल्यू ऑल्सो. तो कोई भी क्वेश्चन तो फीफो मेथड का ट्राई कर. ओके, जहां पे वी हैव डन ऑल दीज ब्रेकअप्स बट विदाउट मेकिंग दैट अकाउंट विल बिकम क्वाइट टफ. और इनफैक्ट उन लोगों ने इतनी चीजें वो पूछी हुई है ना, वो देख लो इधर. कैलकुलेट द इक्वालेंट प्रोडक्शन, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट तो चाहिए. वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड चाहिए. एंड WIP, तो ऑल दीज फिगर्स यू ऑल कैन डायरेक्टली गेट नो फ्रॉम द WIP अकाउंट. अभी टाइम मत वेस्ट करो, मैं तुमको 3 मिनट चलो अब से देता हूं. हाँ, एक सेकंड बस. टू ओपनिंग स्टॉक 5000 है, 22000. ओके, उसके बाद टू मटेरियल
टू लेबर टू ओवरहेड्स, ये 10,000, 30,000, 50 to 500, 70,000, by process 2 7,500, by closing stock 7,500. ठीक, चलो सुनो यहां पे अभी जरा लिखना स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट. अच्छा तुम लोगों ने सम पढ़ा, ठीक है, आई नो मेरे को लीफो मेथड के हिसाब से ब्रेकअप करना होगा, आई एम अवेयर ऑफ दैट. तुम लोगों ने सम पढ़ के दिमाग में क्या सोचा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट के ना कितने कॉलम्स बनाएंगे बट टोटल के अलावा? थ्री. मेरे ख्याल से यहां पे कुछ भी क्लब नहीं होगा क्योंकि मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स का ना सबका स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग अलग दिया हुआ है. ठीक है, तो अपने को यहां पे एक पर्टिकुलर्स आ जाएगा, फिर एक टोटल आ जाएगा, एक मटेरियल आ जाएगा, एक लेबर आ जाएगा, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा. परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स. अच्छा सुनो, अभी मेरे को ये कंप्लीट करने से पहले ऑब्वियसली मेथड वो सोचना पड़ता है. सामने अपने को बोला यहां पे यार लीफो मेथड, अगर इंस्ट्रक्शंस आ गए, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर तो भगवान भी नहीं. ओके, तो इफ दोज गाइस हैव टोल्ड फॉलो द लीफो मेथड, देयर इज नथिंग टू बी थिंकिंग, जस्ट फॉलो दैट यार. यहां पे लिख के रखो लीफो. अभी तुम लोग को एक काम करने का है, अभी तक हर क्वेश्चन फीफो मेथड से किया, यू ऑल आर चैंपियंस इन दैट. इस क्वेश्चन के अंदर तो मैंने कुछ नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कुछ नहीं डाला. लीफो मेथड के हिसाब से ब्रेकअप करो ना, मैं 20 सेकंड के बाद आई विल स्टार्ट. सर दीज जो गुड्स बाद में स्टार्ट किए वो पहले खत्म किए. तो एक मिनट, तुम लोगों ने ये 7:30 का ब्रेकअप किया क्या? नो नहीं, वो 7:30 पूरा का पूरा इसी के अंदर से वो हो जाएगा ना. बेटा किसी का स्पीकर बहुत पास है, वो निकालो प्लीज उधर से. सुनो 7500, ठीक है, अभी जो बाद में स्टार्ट हुआ वो पहले खत्म हुआ, तो 10,000 के अंदर से 7,500 तो ये कंप्लीट हो गया, बाकी 2,500 ऑब्वियसली किधर है? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर. आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट बाय कलर्स, ये 7,500, ये 7,500 है. लेकिन सुनो, आज तक ये वाला काम नहीं किया लेकिन ऑब्वियसली अब करना पड़ेगा. अभी क्लोजिंग स्टॉक का ब्रेकअप विल कम नो ओवर हियर. क्लोजिंग स्टॉक 7,500 यूनिट कैसे आया बेटा? उसके अंदर से 5,000 क्या था? ओपनिंग वाला, और बाकी 2,500 जो था वो इस पीरियड के अंदर स्टार्ट हुआ. चलो ठीक है सुन, अभी ये ऑनेस्टली एग्जाम्स के लिए नॉट मच इंपॉर्टेंट. ये वाला चीज मैंने तो इनफैक्ट शॉर्ट्स के अंदर भी वो लिखा है, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, थिंक व्हाट इज स्टार्टेड लास्ट इज कंप्लीटेड फर्स्ट, दैट यू आर थिंकिंग ऑल्सो. सो इन दिस प्रॉब्लम देर विल नॉट बी ब्रेकअप ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, देर विल बी ब्रेकअप ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. हम लोग जो कर भी रहे हैं, ठीक है, पहले ना अब मेरे को जरा बोलो, जो सबसे बाद में स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले खत्म हुआ, तो विच नंबर कम्स टू योर माइंड फर्स्ट? मेरे को एक नंबर बोलो. 7,500. दीज गुड्स आर स्टार्टेड एंड फिनिश नो, तो यहां पे आप लोग लिखिए स्टार्टेड एंड फिनिश. तो 7,500 कैन वी से, यहां पर तो 100% ही आएगा ना. अभी I'm not even asking you all actually. This is the same thing here. But whatever is started last is completed first. ये 7,500 यूनिट तो इसी पीरियड के अंदर स्टार्ट हुए और खत्म हुए.
अच्छा, अब ना यहां पर एक लाइन ब्लैंक छोड़ देना, वहां पे कुछ ना कुछ मैं लिखवाऊंगा बाद में, ठीक है। मेरे को बोलो अभी 7:30 बोले तो ग्रीन वाला काम हो गया तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, अभी ग्रीन वाले के ऊपर मत कुछ बोलना। मेरे को एक चीज जरा बोलो, मेरे को ये जो ब्लू के अंदर है 2500 यूनिट, इसके लिए क्या वर्ड्स बोल सकते हैं? ये जो 2500 है स्टार्टेड एंड नॉट फिनिश्ड, ठीक है। तो चलो यहां पे लिख के रखो स्टार्टेड एंड नॉट फिनिश्ड, तो ये आ जाएगा 2500। अभी इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन तो समी मेरे को बताएगा, मेरे को थोड़ी सपना आने वाला है। तो देखो सामने अपने को बताया शायद 80% कंप्लीट एज रिगार्ड्स मटेरियल, 60% कंप्लीट एज रिगार्ड्स टू ओवरहेड्स। बेटा पहले मटेरियल दिया है फिर ओवरहेड्स दिया, आधे लोग एग्जाम के ना ऐसा सब गलत करके आते हैं बिकॉज दे डोंट रीड प्रॉपरली, ओके। 70% रिगार्ड्स लेबर, तो ये आ जाएगा 80%, 70%, 60%, तो ये आ जाएगा 2000, 1750, 1500। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन अभी इसी क्वेश्चन की वजह से इनफैक्ट वो कर रहा हूं जो अब मैं तुम लोगों को पूछने वाला हूं। कुछ और आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मेरे को बोलो क्या आएगा, पहले तो यूनिट्स बोल दो, तो यूनिट्स बोल दो। 5000, ब्रिलियंट। अच्छा चलो सुनो सुनो सुनो, तुम लोग कुछ लिखो मत, सुनो रुको रुको, सुनो 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 मेरी बात, सुनो मेरी बात, तो मैं टीचर हूं ना, सुनो ना मेरी बात। हाँ सुनो, अभी के लिए कुछ लिखो मत, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो वी विल, यू ऑल डोंट राइट इट, ठीक है। तो आई विल राइट बिकॉज आई कैन अनडू एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और काम वो डर्टी भी नहीं होता जब मैं कैंसिल करते। तो सुनो, कई लोग बोल रहे हैं नहीं आएगा, तो फिर तुम लोग कुछ मत लिखो। जो लोग बोल रहे हैं आएगा तो 5000 यूनिट इधर आएंगे, ओके। मेरे को बोलो आगे यहां पर परसेंटेज क्या आएगा, जो लोग बोल रहे हैं कि आएगा 30%, 0, 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
इन क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल इज 80%, फुल शब्द, देयरफॉर मटेरियल एडेड इन दिस प्रोसेस will be 80 minus 50 is equal to 30%. चलो आगे, सब लोग क्या करो, ये 30 के नीचे भी ना एक बार दिखा देना, 80 minus 50. लेबर के लिए ओपनिंग के अंदर 50 था, क्लोजिंग के अंदर 70 है, तो 20 ऐड हुआ. और फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर 60 माइनस 50, तो यहां पर 10 ऐड हुआ. ये कर लो और टोटल्स मार लो, और रोमन नंबर 2 जो मैं बना रहा हूं वो कंप्लीट करो. ये 10,250 है क्या? Yes. और ये 11,000. ठीक है, ठीक है. टोटल बेटा सर, ये लेबर का 5.073 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ कर लिखना है. 5 लेबर का बेटा 5.12 आता है. 52,000 डिवाइड बाय 10,250. एक ये 52,500 है. माय राइटिंग इज पैथेटिक, सॉरी. 52,500 है बेटा, वो 5.12 आता है, देख. मैं खुद का पेपर चेक करेगा तो मैं फेल हो ही जाएगा वैसे. आगे, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड. अच्छा, मेरे को तुम लोग वैसे ही जरा बोलना, इस क्वेश्चन के अंदर गुड्स कंप्लीटेड का क्वांटिटी कितना है? गुड्स कंप्लीटेड तुम्हारे अकाउंट में देख के बोलो. 7,500. और उसका तो कोई ब्रेकअप भी नहीं है ना अपने पास. ब्रेकअप अपने पास किसका है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक का. ठीक है, तो ये वाला आंसर फटक से आ जाएगा. 7,500 इंटू 15.22. 114150. अच्छा, मेरे को जरा बोलो, जो आप लोगों ने 15.22 किया वो एग्जैक्ट आंसर था कि राउंडेड ऑफ आंसर था? सुनो, तो अगर चाहो तो वैसे भी वो जो सेकंड वाला नोट है ना, वो हम लोग 32 आ रहा है बेटा. 15.22 लो ना, बस यही आ रहा है बेटा, यही आ रहा है, यही आ रहा है. सुनो, तो आप लोग पहले क्या कर लो, ये वाली फिगर इधर डाल दो.
और इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 60350. सुनो, जो मैं नेक्स्ट चीज वो बोलने वाला हूं, मैंने पिछले लेक्चर पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बोला, तुम लोग भी ये वाली फिगर बैलेंसिंग फिगर एग्जाम्स के ना यू ऑल कैन टेक. तुम लोग कंप्यूट करोगे ना तो भी अप्रोक्सीमेटली यही वाला आंसर आएगा. इन क्लास आई एम जस्ट डूइंग इट ताकि यू ऑल आर परफेक्ट. ओके, तो यहां पे तुम लोग लिख लेना क्लोजिंग स्टॉक. अब जो मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से वो सुनना, तुम्हारे एक नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि ना ये चीज कैलकुलेट करना थोड़ा सा बड़ा काम होता है, जो फीफो मेथड होता है. मेरे को बोलो क्यों वहां पर बड़ा काम क्यों होता है? क्योंकि उसके ब्रेकअप होते हैं ना. ओके, तो उसके वो ब्रेकअप वगैरह होते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन के ना ये छोटा काम हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक वाला जो काम है वो बड़ा काम होएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का ब्रेकअप है अपने पास. ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं, अपना आंसर वही आना चाहिए. ऑल्दो इन एग्जाम्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, यू कैन टेक वन ऑफ द फिगर्स एज अ बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, अभी क्लोजिंग स्टॉक जो है बेटा 7,500 यूनिट का है. ठीक है, मेरे को उसका दो बार आंसर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले 5,000 यूनिट का, उसके बाद 2,500 यूनिट का. ठीक है, तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, राइट हैंड साइड 22,000, कॉस्ट इनकर्ड 2,000 मटीरियल लेबर ओवरहेड्स. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर ये वाला लाइन जरा देखना, इतना 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 और रिसोर्सेज लगा, 1500 यूनिट का मटीरियल, 1000 यूनिट का लेबर, 500 यूनिट का ओवरहेड्स, इंटू 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 2.73, 5.12, 7.37. तुम लोग खुद ब खुद करो, मेरे को आंसर्स मत ही बनाना, दैट इज ऑल फाइन. ये वाला आंसर लाओ, ऑल्दो इससे खत्म नहीं होएगा, लेकिन आप लोग इतना तो करो. चलो तो यहां तक पहुंचो, मेरे को आंसर नहीं बताओगे तो चल जाएगा. चलो सुनो, लेकिन ये ना अभी तक 7,500 यूनिट का कॉस्ट नहीं आया भाई, ये तो सिर्फ 5,000 यूनिट का ही कॉस्ट आया. ठीक है, तो बाकी 2,500 क्या थे? दे वर स्टार्टेड इन दिस ईयर, एड स्टार्टेड इन दिस पीरियड, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स. तो स्टार्टेड इन दिस ईयर बोले तो ये वाला फिगर्स 1,250, 1,750, 1,500 into 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 2.73, 5.12, 7.37. ये वाला टोटल देखना अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, थोड़ा सा फर्क तो आएगा ही आएगा, तो हम लोग वो वाला स्टेटमेंट लिख देंगे, राउंडेड ऑफ टू ₹60,350 टू टैली. आगोष करेक्ट है बेटा, 6375 आ रहा है.
तन्मय वो गलत है बेटा, 60,375 आता है। एक बार अपना कैलकुलेशन जरा चेक कर लेना। वो ज्यादा भी आ सकता है, वो कम भी, दैट डिपेंड्स अपॉन कि जब भी राउंड ऑफ हुआ था ना वो कैसे हुआ था, वो आगे गया था कि पीछे गया था, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। Everybody got 60,375? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Your this job is altogether done. ठीक है? लीफो का एक ही क्वेश्चन, उससे ज्यादा इट इज नॉट रिक्वायर्ड, नो नीड टू बी थिंकिंग ऑल्सो सर, बाकी एडजस्टमेंट सो आई नीड इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, वन वी ऑल्सो डिड जस्ट फॉर द हेक ऑफ डूइंग। ठीक है, सुन बस, अभी दिस इज वॉट एवर इज लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फीफो हो गया, लीफो हो गया, तो वेटेड एवरेज बाकी रह गया, तो वी आर डूइंग वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 23, ये वाला क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ूंगा तुम लोग मेरे को बोल देना सर ये तो करके रखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। व्हेन आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन यू विल बी एबल टू रिप्लाई, क्योंकि तुम लोगों को याद आ जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, इट फॉलोज प्रोसेस कॉस्टिंग एट द बिगनिंग ऑफ मंथ ऑफ जून, द इन्वेंट्री ऑफ WIP शोड 400 यूनिट्स 40% कंप्लीट वैल्यूड एज फॉलोज, मटीरियल लेबर एंड ओवरहेड्स 8,000। In the month of June, materials were purchased for 75,000. Wages and overheads in the month amounted to 79,221,120. देखो ये लाइन पढ़ के याद आएगा। Actual issue of materials to the production was 68,500. मैंने तब तुम लोग को एक चीज एक्सप्लेन भी किया था। Will you take 75? Will you take 68,500? 68,500. We are interested in कितना माल कंज्यूम हुआ है। सेम क्वेश्चन है विद द सेम नंबर्स वैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑल्सो, 12। ओके, इट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस। ऑब्वियसली सेकेंड टाइम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक लाइन तो अलग आएगा टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, तो अभी बस वही वाला लाइन मैं पढ़ने जा रहा हूं। ओके, प्रोडक्शन कंप्लीट एट द एंड ऑफ द मंथ वॉज 2,500, देयर वॉज नो लॉस इन द प्रोसेस। एट द एंड ऑफ द मंथ WIP इन्वेंट्री वॉज 500 यूनिट, 60% कंप्लीट एज रिगार्ड्स लेबर एंड ओवरहेड्स, 80% कंप्लीट एज रिगार्ड्स मटेरियल। देखो ये लाइन अलग है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। बस इससे तुम्हारा सब कुछ अलग हो गया, बिकॉज इट इज वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, चलो तुम लोग पहले एक काम तो कर लो, ये ना फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहां पे कोई नॉर्मल लॉस वगैरह नहीं रखा हुआ। एक और क्वेश्चन के बाद नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, वो सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 वी ऑल आर स्टार्टिंग। ओके, तो लिखो जरा प्लीज, यहां पे एक ही प्रोसेस है, तो आई एम सिंपली राइटिंग प्रोसेस अकाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, टू मटेरियल, टू लेबर, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, बाय फिनिश गुड्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट, टोटल, यहां पे लेबर और ओवरहेड्स का स्टेज ऑफ कंप्लीशन उस क्वेश्चन के अंदर भी सेम था, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो इन एनी पर्टिकुलर केस तुम लोग क्या करो, प्रोसेस अकाउंट के अंदर सारे के सारे नंबर डाल लो, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट इतना बना देना, उसके अंदर एक भी नंबर मत डालना, तुम्हारा पोपट होगा इन एंड। ओके, जिधर भी मैं टिक मार रहा हूं ऑल दो थिंग्स प्लीज कंप्लीट। कृषा अभी तक कुछ बोला ही नहीं मैंने, जस्ट लेट्स स्टार्ट टू बी मेकिंग द प्रोसेस अकाउंट। बस दिस इज रेप्लिक ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 दैट वी ऑल हैव डन, बट इट इज गेटिंग सॉल्व बेस्ड अपॉन वेरिएबल एवरेज मेथड। ये करो तुम लोग। ठीक है,
I'm showing you all the question for those people who don't have it. चल तो आई एम राइटिंग द नंबर्स. दिस इज 400, 8000, 69500, 79200, 21120. 2500 यूनिट कंप्लीट हो गया था, 500 यूनिट इनकम्प्लीट था. सर मटेरियल भी 68500. ये बैलेंसिंग फिगर 2600, 3000. चलो सुनो मेरी बात. देखो अभी ध्यान से सुनना जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, ठीक है? लिखना मत जब तक मैं तुमको कुछ नहीं बोलता कि लिखो, ठीक है? जब मैं बोलूंगा कि कॉपी करना तभी कॉपी करना, ठीक है? अगर ये फीफो मेथड होता तो, अगर ये फीफो मेथड होता, आई एम राइटिंग इन येलो बिकॉज आई डोंट वॉन्ट You all to see it much, ठीक है? मेरे को बोलो तो 2500 का ब्रेकअप क्या होता अगर ये FIFO मेथड होता तो? 400 and 2100, ठीक है? तुम लोग को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, दैट आई एम अवेयर, ठीक है? तो 2600 का भी दो पार्ट हो जाता, एक 2100 और एक 500, ठीक है? मेरे को अब जरा सोच समझ के बोलना. तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट के अंदर तीन लाइनें लिखते, मेरे को बोलो तीन लाइनें क्या क्या लिखते? ओपनिंग स्टॉक, प्रोसेस फर्दर एंड कंप्लीटेड. तो कितना यूनिट्स पहले मेरे को वो बोलो ना, ओपनिंग स्टॉक, प्रोसेस फर्दर एंड कंप्लीटेड का कितना यूनिट्स? 400. उसके बाद स्टार्टेड एंड फिनिश का कितना यूनिट्स? 2100. उसके बाद स्टार्टेड एंड नॉट फिनिश्ड का 500, ठीक है? अच्छा, ओपनिंग स्टॉक वॉज 40% कंप्लीट, ठीक है? तो इस पीरियड के अंदर कितना आया रहेगा? 60%, ठीक है? ये तो 100% ही हो जाता है. और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मटेरियल्स 80 है, लेबर एंड ओवरहेड 60 है. सो देयरफॉर दिस विल बी 80%, दिस विल बी 60%, ठीक है? तो ये आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 2100, ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 240, 2100 और ये आ जाएगा 300, ठीक है? इनफैक्ट ये जो अभी अभी मैंने लिखा है ना, दिस इज नथिंग बट फीफो मेथड ओनली. तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यही आंसर तो लिखा हुआ है, ठीक है? सुनो, इसके बाद जब तुम लोग रोमन नंबर 2 स्टेटमेंट करते हो ना, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है? तो तब हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. मटेरियल, मटेरियल जो है वो 68500 का है, लेबर एंड ओवरहेड्स जो है 79200 प्लस 21120 का है, डिवाइडेड बाय 2740 2640, ठीक है? सो लेकिन अब ये कंप्यूट नहीं करना, ये होता तो ये फीफो मेथड ही बन जाता. अभी फर्क क्या है, ध्यान से सुनना जो मैं तुम लोग को बोलने वाला है. सबसे पहले यहां पे जरा लिखो वैम, ये वेटेड एवरेज मेथड है. सुन, आज तक मैं वैसी जनरल नॉलेज के, तुम लोगों ने जिंदगी में कोई भी एक क्वेश्चन पूरी लाइफ के अंदर वेटेड एवरेज मेथड के ऊपर सॉल्व किया है एट एनी लेवल? तो चलो ठीक है, अगर आज तक कोई एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है ना, तो सोचो उस क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों ने कुछ ऐसे किया रहेगा जो मैं तुमको अब बोल रहा हूं. एग्जांपल, वैसे हमारा व्हेन वी सॉ ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, यू सॉ मी, आई सॉ यू ऑल इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि आई हैव नॉट सीन योर फेसेस टिल नाउ. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ऑन कॉस्ट शीट, मैंने वहां पे भी वैल्यूएशन करवाया था बाय 3 मेथड्स, ओके? तो सुनो, सपोज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 100 यूनिट का था एट द रेट ऑफ 300 प्लस और यूनिट्स प्रोड्यूस किए इस पीरियड के अंदर, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, जिसको आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल देते थे, सपोज 1100 यूनिट.
इस पीरियड का अपना कॉस्ट 4 था, तो ये आ जाएगा 4400। अगर मैं तुम लोग को बोलूं क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट का था, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट का यू कैन सॉल्व इट यूजिंग 3 मेथड्स। यार मेरे को जरा बोलो, अगर फीफो मेथड होगा तो क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट रुपीज फोर, नो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक बिक जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक विल बी आउट ऑफ करंट ईयर। अगर फीफो मेथड होएगा तो रुपीज फोर, लीफो मेथड होएगा तो रुपीज थ्री। लेकिन अगर मैं तुमको बोलेगा वेटेड एवरेज मेथड करो तो तेरे को कैलसी की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले तेरे को वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। मेरे को बोलो वेटेड एवरेज कॉस्ट के ना क्या करेगा, क्या करेगा वो, करो मत सर, एड करेगा ना 4700 डिवाइडेड बाई 1200, तो डिवाइडेड बाई 1200 तो ये आ जाता है 3.92। चलो आई टेक इट, सुन, वेटेड एवरेज मेथड का एक प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल मेरे दिमाग के अंदर सॉलिड बसा हुआ है। वेटेड एवरेज मेथड से फॉरगेट अबाउट लास्ट ईयर का कॉस्ट, फॉरगेट अबाउट करंट ईयर का कॉस्ट, लेट्स कंबाइन ऑल द कॉस्ट टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो मैं यहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लिया 3.92। जैसे ही मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाला तो मैं भूल गया क्या ये, क्योंकि 3.92 कवर्स अप एवरीथिंग। एंड देन आई ट्राई टू बी थिंकिंग, यार अभी तो एक ही लॉट है अपने पास, कितने यूनिट्स का, 1200, उसका कॉस्ट कितना है 3.92, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट व्हाट रेट यार, 3.92। दिस इज व्हाट एवर वी ऑल हैव डन एवर, करेक्ट, नो, हम लोगों ने पूरी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे ही किया हुआ ना। तो बस मैं इसी चीज को फॉर द फर्स्ट टाइम तुम्हारे सामने अप्लाई करने जा रहा हूं टू WIP, और कुछ नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल यही रहेगा। तो वेटेड एवरेज मेथड सेज कंबाइन लास्ट पीरियड का कॉस्ट एंड करंट पीरियड का कॉस्ट टू फाइंड वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो पहले मेरे को बोलो इस पूरे प्रोसेस अकाउंट के अंदर भाई लास्ट पीरियड का कॉस्ट किधर है? 8000 है ना, दिस इज लास्ट पीरियड का कॉस्ट, नो? Yes, sir. अच्छा, मेरे को जरा बोलो क्या तुम्हारे पास 8000 का ब्रेकअप है क्या? क्या 8000 का ब्रेकअप है? ठीक है, तो सुनो, लेट्स कंबाइन लास्ट पीरियड कॉस्ट विथ करंट पीरियड का कॉस्ट। तो मेरे को जरा बोलो 8000 के अंदर लास्ट ईयर का मटेरियल कॉस्ट कितना था बेटा? 3600, वो मैं इसको ऐड कर रहा हूं, ठीक है, वो मैंने इसको ऐड कर दिया, और लेबर और ओवरहेड्स ये दोनों फिगर थे 3400 और 1000। बस दिस इज नथिंग बट योर वेटेड एवरेज मेथड सॉल्व हो गया। तुम लोग कॉपी कर सकते हो, लेकिन कॉपी मत करना, सुनो, एक गलती हो गई यार। क्या गलती बेटा? अगर तूने कॉस्ट ऐड किया तो तेरे को ये भी तो डालना चाहिए कि ये कॉस्ट ने क्या किया। तुमको समझा जो मैं बोला? देखो अगर नहीं समझा तो इस कॉस्ट ने क्या किया वो तुम लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन अगर तूने अभी यहां पर एक कॉस्ट ऐड की तो बेटा ये कॉस्ट ने क्या किया तुमको वो भी तो लिखना चाहिए ना। फिर वो तो ऑब्वियस बात है, इफ यू आर एडिंग द कॉस्ट यू हैव टू बी एडिंग द क्वांटिटी ऑल्सो। नो, एक सेकेंड, 68500 वॉज योर मटीरियल कॉस्ट, एक मिनट, मेरे को जरा बोलो इन दोनों के अंदर से विच इज द कॉस्ट ऑफ द करंट ईयर? 68500 ने क्या करवाया था सर? ओपनिंग स्टॉक के अंदर मटेरियल 40% ही था, तो 68500 की वजह से ओपनिंग स्टॉक के अंदर 60% मटेरियल और गया, तो हम लोगों ने लिखा ना यार। सर 2100 यूनिट के अंदर सारा का सारा मटेरियल गया, वो भी इसी पीरियड के अंदर हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 80% मटेरियल गया, ये सारा का सारा काम 68500 ने किया। अगर तेरा वेटेड एवरेज मेथड तेरे को ये बोलता है कि तू कॉस्ट ऐड कर, क्योंकि इट इज वेटेड एवरेज मेथड, तो फिर तो तुमको उसका क्वांटिटी भी तो ऐड वो करना चाहिए। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, 3600 वाज लास्ट ईयर्स कॉस्ट, तो फिर तू अभी ये सोच कि इस कॉस्ट की वजह से क्या हुआ था। तो व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी कंप्लीटेड, तुमको समझा? अगर मैंने कॉस्ट ऐड किया तो बेटा मेरे को उस कॉस्ट ने क्या किया वो भी तो ऐड करना पड़ेगा ना मेरे को, वो तो ऑब्वियस काम है यार। ओके अच्छा, अभी कुछ लिखना मत, तुमको पाप चढ़ेगा सॉलिड। ओके, मेरे को जरा बोलो मैं यहां पर क्वांटिटी कितना लिखूं? 400। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहां पे परसेंटेज कितना लिखूं? 40%। ओपनिंग स्टॉक 40% इसी कॉस्ट की बदौलत हुआ था ना। यस सर।
ठीक है बस। तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर फिगर विल बी 160, इधर भी आ जाएगा 40%, इधर आ जाएगा 160। ठीक है, मैंने बेसिकली क्या किया है, ओके ये खत्म हो गया वैसे, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या किया, तुम लोग ना यू ऑल वर ऑलरेडी गुड इन फीफो मेथड, तो मैंने बस एक चेंज करवा दिया तुमको। लेट्स ऐड लास्ट पीरियड का कॉस्ट, तो हम लोगों ने ये वाले कॉस्ट भी ऐड कर दिए। जैसे ही ये वाले कॉस्ट ऐड कर दिए खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन अगर कॉस्ट ऐड किए तो क्वांटिटीज भी ऐड कर देना चाहिए। तुम लोग ये वाला चीज कॉपी कर सकते हो, लेकिन कॉपी मत करना, क्योंकि मैं अभी तुमको दो चीजें दिखा रहा हूं, घूर घूर के देखना आंखें बड़ी करके, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो। मेरे को दो लाइन वेस्ट नहीं करना, मैं ये दो लाइन के बदले में एक लाइन से भी काम चला सकता हूं। मेरे को बोलो क्या, आई कैन राइट डाउन 400 यूनिट्स आर 100% कंप्लीट। बेटा 40% पहले था, 60% अभी है, तो मतलब 400 यूनिट पूरा कंप्लीट हो ही गया ना अपना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम लोग नहीं करना, सुन, मैं ये दोनों लाइन डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। और ये दोनों लाइन डिलीट करके मैं अभी यहां पर एक ही लाइन बस लिखने वाला हूं, और वो एक लाइन कुछ ऐसा लिखता हूं, ओपनिंग स्टॉक, बस वो तो गया। मेरे को बोलो टोटल के अंदर कितना लिखूं, 400 परसेंटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%, ये आ गया 400, ओके 100%, ये आ गया 400, इज दैट ओके? तुम लोग कॉपी कर लो, लेकिन रुको रुको रुको, लास्ट टाइम लास्ट टाइम, घूर घूर के देखना आंखें और बड़ी कर रहा, ओके ये लाइन घूर घूर के देखो और ये लाइन घूर घूर के देखो। दो लाइन घूर घूर के देखने के बाद ये दो के बदले में एक ही लाइन लिखोगे तो भी चलेगा, मेरे को बोलो कौन सा। गुड्स कंप्लीटेड, गुड्स कंप्लीटेड, बेटा 400 यूनिट भी 100% कंप्लीट थे और 2100 यूनिट भी पूरे के पूरे कंप्लीट थे, तो एड अप करके 2500 डायरेक्टली मैं लिख ही सकता हूं ना इन दिस केस, ठीक है। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर इन दिस केस गुड्स कंप्लीटेड, ठीक है। मेरे को बोलो अभी यहां पे यूनिट्स कितना लिखूं, 2500, 100% ये आ जाएगा 2500, 100% ये आ जाएगा 2500, ठीक है। ये वाला लाइन इस वक्त डिलीट कर देता हूं, ठीक है, और ये वाला लाइन इस वक्त डिलीट कर देता हूं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हेन आई टेल यू देन यू ऑल कॉपी। स्टार्टेड एंड नॉट फिनिश वाज नथिंग बट योर क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं डायरेक्टली यहां पे अभी क्लोजिंग स्टॉक ही लिख रहा हूं। देखो ये तुम लोग कॉपी करोगे तो चल जाएगा, ओके, यू ऑल कॉपी दैट इन जस्ट अ वाइल, इन जस्ट अ वाइल। दिस इज नथिंग बट योर वेटेड एवरेज मेथड। ऑनेस्टली मैंने जानबूझ के क्या किया, यू ऑल वर गुड इन फीफो मेथड, इसलिए ना मैं फीफो मेथड से आई वॉन्ट टू डिराइव वेटेड एवरेज मेथड, वरना अगर मेरे को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट होता ना दैट यू ऑल आर न्यूटन्स ऑफ कॉमर्स, ओके, तो मैं डायरेक्टली तुम लोगों को बोल देता, क्या बोल देता, और उससे ना डायरेक्टली यही वाला आंसर आता, अपने को इतना त्रास नहीं होता। देखो हम लोग फीफो मेथड के अंदर क्या सोचता रहता है, ध्यान से सुनना, और ये वर्ड्स मैंने फर्स्ट टाइम जब भी फीफो मेथड एक्सप्लेन किया तभी बोला था। हम लोग फीफो मेथड जब करते हैं ना, मेरे दिमाग में क्या आता है, इस पीरियड की कॉस्ट ने क्या किया, फिर तुम लोग ब्रेकअप करते हो लास्ट ईयर क्या काम हुआ था, अब क्या काम हुआ वगैरह। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड के अंदर मेरे को वो नहीं सोचना होता। वेटेड एवरेज मेथड के ना मेरे को क्या सोचना होता है, बराबर से सुना सब लोग, क्या सोचना होता है कि इस पीरियड की कॉस्ट एंड लास्ट पीरियड की कॉस्ट ने मिलाकर क्या किया। तुमको समझा जो मैंने बोला, तो तुमको सोचने का है ये सारी की सारी कॉस्ट ने मिलाकर क्या किया। बेटा ये सारी की सारी कॉस्ट ने मिलाकर जो भी किया रहेगा वो क्रेडिट साइड पर ही तो पड़ा होएगा ना। तो अगर सोचोगे मैंने सिर्फ क्रेडिट साइड इधर कॉपी कर दिया एंड माय जॉब इज ओवर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ इफ देर इज साउंड अराउंड यू, प्लीज सुनो। तो मैंने बस एक ही काम किया इन दिस पर्टिकुलर केस, यहां पर मैंने सोचा ये सारी कॉस्ट ने मिलाकर क्या किया, ये सारी की सारी कॉस्ट ने मिलाकर जो भी किया वो क्रेडिट साइड पर ही तो होएगा, ओके बस काम खत्म हो गया। क्रेडिट साइड इधर कॉपी कर देना एंड दिस इज नथिंग बट योर वेटेड एवरेज मेथड। इससे सिंपल कुछ है ही नहीं, फीफो के लिए टाइम लगता है, वेटेड एवरेज मेथड के लिए टाइम ही लगता, कॉपी द क्रेडिट साइड एंड मैक्स टू मैक्स कोई भी क्वेश्चन ऑन वेटेड एवरेज मेथड के अंदर तुमको टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुमको सिर्फ यहां पे क्रेडिट साइड ही कॉपी करना है।
इसके अलावा मैक्सिमम इधर दो चीजें आ सकता है, कभी अगर एबनॉर्मल लॉस होएगा तो इधर लिख डालना, कभी अगर एबनॉर्मल गेन होएगा तो यहां से लेस कर देना। सबको समझ में आता है? ओके, एक मिनट मेरे को जरा बोलो, एक बेसिक थिंकिंग चेंज क्या हुआ व्हेन वी शिफ्टेड फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज? थिंकिंग चेंज क्या हुआ अपना कि हम लोग सोचता है ये वाला कॉस्ट और ये कॉस्ट ने मिलाकर क्या किया? बेटा जो भी डेबिट साइड पर कॉस्ट का खर्चा हुआ रहेगा वो क्रेडिट साइड के लिए तो हुआ है। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस इसी कॉस्ट की वजह से ये बना, इसी कॉस्ट की वजह से ये बना, मैंने इसको कॉपी कर दिया, माय जॉब इज ओवर। अभी तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट कॉपी कर लो पक्का, और उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना। बोल छोटू। तो आप वो ओपनिंग स्टॉक वाला पॉइंट रिपीट करोगे एक बार? कौन सा बेटा? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट में जो आपने ओपनिंग स्टॉक वाला एक्सप्लेन किया ना, वो जो मैंने इरेज कर दिया? हाँ सर। अच्छा पहले ये कॉपी कर फिर उसके बाद करता हूँ, ठीक है? ठीक, टोटल मार देना 62.26। हाँ ये गलत किया, ये वो पहला वाला था, चेंज करना भूल गया। 2900 2800 ये वाला फिगर्स हैव चेंज्ड। बराबर है प्रथम, सुनो अभी फर्स्ट आई कंप्लीट दिस देन आई ट्राई टू डू अ रीकैप। ओके, पॉइंट नंबर थ्री, टोटल कॉस्ट ऑफ, तुमको समझ में आएगा, वेटेड एवरेज मेथड्स आर ऑलवेज द फास्टेस्ट मेथड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड। देखो तुम लोगों ने भी वेटेड एवरेज मेथड के ना कुछ ब्रेकअप वगैरह तो किया ही नहीं, क्योंकि ब्रेकअप होते भी नहीं है, वो तो फीफो या लीफो के अंदर होते हैं। 2500 यूनिट, सब लोग मेरे को जरा बोलना, 2500 यूनिट का आंसर डायरेक्टली आएगा 2500 इनटू, बोलो मेरे को, 62.26, दैट इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज कॉस्ट 155650। और ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो बेटा वही काम करना जो हमेशा करते हो, वो बैलेंसिंग फिगर लेकर यू विल ट्राई टू फिनिश। Take closing stock as a balancing figure in your account. You all know what is to be done.
एक बार थोड़ा प्रोसेस अकाउंट पे जाना ना। सुनो, नाउ वेटेड एवरेज मेथड मैंने कैसे एक्सप्लेन किया? ऑनेस्टली एक्सप्लेन इट थ्रू फीफो मेथड, ओके, वरना तो डायरेक्टली यू ऑल नो नहीं, ठीक है? इट जस्ट टेक मी अ सेकंड टू बी हैविंग अ रीकैप, दिस इज ओनली डन ताकि अगर कुछ पहले डाउट था तो वो अभी समझ में आ जाए। तो पहले तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक फीफो मेथड के हिसाब से कुछ ऐसे था, ठीक है, और यहां पे स्टार्टेड एंड फिनिश था 2100, दिस वाज 100%, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये वाला कॉस्ट ऐड किया, जब ये वाला कॉस्ट ऐड किया तो उसका क्वांटिटी भी तो ऐड किया, तो ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो 400 यूनिट पहले कितने परसेंट कंप्लीटेड थे? 40%, ठीक है, बस। तो ओपनिंग स्टॉक इधर 440%, ओपनिंग स्टॉक इधर 400, तो 60%। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, ये दोनों लाइंस यहां से डिलीट कर दी। ओपनिंग स्टॉक पहले 40 था, अभी 60 हुआ, मतलब 100% तो हो ही गया। तो फिर यहां पे एक ही लाइन लिखी, ओपनिंग स्टॉक 400, दिस विल बी 100%, ठीक है, तो यहां पर भी 100%। फिर उसके बाद क्या सोचा, यार ये 400 यूनिट्स भी 100% है, ये 2100 यूनिट भी 100% ही है, तो दोनों को कंबाइन करके लेट्स ओनली राइट ऑन वन सिंगल लाइन कि 2500 यूनिट इन दिस पर्टिकुलर केस आर 100%। तो 2500 यूनिट वॉज नथिंग बट इन दिस केस गुड्स कंप्लीटेड, तो यहां पर फिर आ गया वो 100%, यहां पर भी आ गया तो 100%, ठीक है। तो दिस वॉज वॉट एवर वी ऑल हैड डन बिफोर। ऑल्दो इन एग्जाम्स एंड फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस तुम लोग डायरेक्टली बस वही वाला फंडा अप्लाई कर सकते हो, सर मेरे को सोचने का ये कॉस्ट और ये कॉस्ट ने मिलाकर क्या किया था, ठीक है, जो भी मिलाकर किया रहेगा वो क्रेडिट साइड पर ही तो होगा, ओके। मेरे को एक बार सब लोग बोलना इज दिस थिंग क्लियर, क्योंकि इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछेगा, इज दिस थिंग क्लियर, ठीक है। तो अभी ना आई एम गोइंग टू बी आस्किंग यू वन सॉलिड क्वेश्चन, मैं सॉलिड क्वेश्चन अभी वो पूछने वाला है ऑफ समथिंग दैट यू ऑल हैव डन बिफोर, क्वेश्चन नंबर 11 तुमको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ठीक है, सुनो। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वी ऑल हैड डन, फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो हम लोगों ने किया था। ये वाला क्वेश्चन जब हम लोगों ने सॉल्व किया था ना फीफो के हिसाब से किया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग स्क्रीन पे देखो, और अगर मैं तुमको बोलूं सॉल्व इट बेस्ड अपॉन वेटेड एवरेज मेथड, तो तुम लोग को मेरे को बोलना पड़ेगा सर मैं सॉल्व नहीं कर सकता बेस्ड अपॉन वेटेड एवरेज मेथड, मेरे को तुम लोग बोलना व्हाई यू कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज ऑन स्क्रीन बाय वेटेड एवरेज मेथड, सोच के बोलना, सोच के बोलना। मेरे पास ना ओपनिंग स्टॉक का ब्रेकअप नहीं है इनटू मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, मेरे को ये वाला ब्रेकअप चाहिए। जरा सोचो, जब तक ये वाला ब्रेकअप नहीं होगा मैं ये वाला कैलकुलेशन अलग से और ये वाला कैलकुलेशन अलग से नहीं कर सकता। इज दिस ओके फॉर एवरीबॉडी? तो एक सेकंड तो हाँ, यू रिक्वायर ब्रेकअप ऑफ 8000, जैसे इस क्वेश्चन के ना 8000 का ब्रेकअप था, तो मैंने क्या किया, ये 3600 रुपया, ये 3600 इस साल की मटेरियल कॉस्ट के अंदर ऐड किया, ये 34000 इस साल की लेबर और ओवरहेड्स के अंदर मैंने ऐड किया। अगर इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये 800 का ब्रेकअप नहीं था ना, तो मैं ये वाला क्वेश्चन वेटेड एवरेज के हिसाब से सॉल्व ही नहीं कर सकता। तुमको समझा जो मैंने बोला? तो वेटेड एवरेज मेथड इज ओनली पॉसिबल इफ, रिपीट करो आगे, सॉरी आगे बोलो, वेटेड एवरेज मेथड इज ओनली पॉसिबल इफ ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज गिवन टू यू, इज दैट ओके? ठीक है, अभी ये वाला चीज ना मैंने इस क्वेश्चन के शायद शॉर्ट्स के नीचे वो लिखा होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई विल जस्ट ट्राई टू बी सीइंग दैट, नहीं आई हैव नॉट रिटन, बट आई हैव रिटन इट समवेयर एल्स। अभी तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो, सब लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, पहले पढ़ लो पूरा का पूरा, नीचे शॉर्ट्स मत पढ़ना, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, शॉर्ट्स मत पढ़ना,
ठीक है, सुनो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को बोलो मेथड का नाम दिया हुआ है, विच मेथड इज टू बी फॉलोड? नो सर, नहीं दिया। तो बाय डिफॉल्ट यू शुड फॉलो विच मेथड? फीफो। लेकिन अभी तुम लोग को सोच के मेरे को कुछ और आंसर देना है, ध्यान से सुनना। उस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ना, दिस यू कैन नॉट सॉल्व ओनली बेस्ड अपॉन फीफो मेथड। यस सर, मेरे को बोलो क्यों? क्योंकि ना ओपनिंग स्टॉक का स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ। जरा सोचो, आज तक कोई भी क्वेश्चन किया बेस्ड अपॉन फीफो मेथड, तुम लोगों को ना हमेशा हमेशा एक चीज की जरूरत पड़ती है, सर ओपनिंग स्टॉक का स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना है। अगर ओपनिंग स्टॉक इज 40% कंप्लीट, तो तुम लोग सोचते हो सर 40% पहले से था, इस पीरियड के ना 60% हुआ। ओके, तुम लोग को ऐसा सोचना पड़ता है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर यू कैन नॉट फॉलो फीफो मेथड बिकॉज, सब लोग मेरे को जरा बोलो, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन। सुनो सुनो सुनो, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन किया ना, इस क्वेश्चन के अंदर बोथ द मेथड्स वर पॉसिबल, फीफो इज ऑल्सो पॉसिबल, वेटेड एवरेज इज ऑल्सो पॉसिबल। इनफैक्ट वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन टू टाइम्स, वंस बेस्ड अपॉन फीफो मेथड क्वेश्चन नंबर 12 जो अपना था, एंड वंस बेस्ड अपॉन वेटेड एवरेज। मेरे को बोलो यहां पर दोनों मेथड क्यों पॉसिबल थे? ओपनिंग स्टॉक का स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी था और ब्रेकअप भी था ना। यस सर। अच्छा, अब मेरा लास्ट सेंटेंस, मेरा लास्ट सेंटेंस बराबर से सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 24 आई कैन नॉट सॉल्व बेस्ड अपॉन फीफो मेथड बिकॉज स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन। बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज फॉलो फीफो मेथड, बट इफ फीफो मेथड इज नॉट पॉसिबल, फिर मजबूरी के अंदर यू ऑल फॉलो, बोलो आगे, वेटेड एवरेज। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही एक ट्रिक है, तो कि तुमको क्वेश्चन नंबर 24 मजबूरी के अंदर वेटेड एवरेज मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इज दिस अंडरस्टूड फॉर एवरीबॉडी? ठीक है, तो देखो मैंने शॉर्ट्स के अंदर यही वाली चीजें लिखी हुई हैं। फीफो मेथड इज ओनली पॉसिबल व्हेन स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज गिवन। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11, ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, सारे फीफो मेथड के हिसाब से ही तो किए थे। वैम इज ओनली पॉसिबल व्हेन ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज गिवन। एग्जाम्पल तुम्हारा पिछला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज फॉलो फीफो, इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन फॉलो वेटेड एवरेज मेथड। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, लास्ट टाइम मेरे को जरा बोलो, क्वेश्चन नंबर 24 यू विल अप्लाई विच पर्टिकुलर मेथड? व्हाई? बिकॉज FIFO is not possible. Because FIFO is not possible, it is not possible because stage of completion of opening stock is not given. Hence you will follow weighted average method. ठीक है? अपनी notebook के अंदर पहले एक line लिखो तुम लोग. Write down. As stage of completion. नहीं नहीं, तो इधर ही लिखो, इट इज पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट, इनफैक्ट मतलब इट इज पार्ट ऑफ योर आंसर। जो भी एग्जाम के ना नोट्स के तौर पे लिखना है, हम लोग वो चीज हमेशा नोटबुक के अंदर ही लिखते हैं। एज स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, फीफो मेथड इज नॉट पॉसिबल, हेंस we follow VAM. चलो तुम लोग अभी ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, यू आर सॉल्विंग बेस्ड अपॉन वेटेड एवरेज। अभी अभी जो क्वेश्चन किया वेटेड एवरेज के हिसाब से ही किया। एक चीज गलत मत करना जो यहां पे रेड के अंदर है, यू हैव टू एड लास्ट पीरियड्स कॉस्ट विद करंट पीरियड्स कॉस्ट, यू हैव टू बी डूइंग दैट, वरना गलत हो जाएगा। वेटेड एवरेज मेथड का वही एक फंडा है। तुम लोग स्टार्ट करो, ये वाला क्वेश्चन खत्म करो, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बता देना। इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, तुम्हारे पास 10 मिनट्स हैं, दैट इज मोर देन इनफ टाइम इन दिस केस टू बी फिनिशिंग ऑफ द क्वेश्चन। ओके,
मेरे को आंसर बताना. स्टार्ट करो फेयर के अंदर करना तुम्हारे चार स्टेप्स, एक प्रोसेस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट. स्टार्ट करो. वन सिक्स जीरो सिक्स आएगा. यस सर. मेरे को एक बार कॉस्ट पर यूनिट जरा बताओ, वो एग्जैक्ट आ रहे हैं कि राउंडेड ऑफ आ रहे हैं? नो सर, उनका एग्जैक्ट आ रहा है, एक का नहीं आ रहा. एक मिनट, मटेरियल राउंडेड ऑफ है, राउंडेड ऑफ. एक मिनट, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स अलग अलग है ना? यस सर. मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मेरे को तीन कॉस्ट बताओ. मटेरियल 5.8 टोटल, सॉरी लेबर 1.8 टू रुपीज 5.9. कौन सा फिगर राउंडेड ऑफ है? फर्स्ट वाला. चलो ठीक है. फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड वो कितना आता है? 1785. ठीक है. और ये वाला 1606 ना? ये आंसर आएंगे बेटा सबके, सब लोग एक बार चेक करें. दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. ये कंप्लीट कर लो सब लोग. अगर वैसे निकालेंगे तो 1612 ठीक है, तो राउंडेड ऑफ टू 1606. ठीक है, इट्स ओके. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट बेटा मैं तेको ओरली ही बोल देता हूं. कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए? 3000 ना, तो 3000 और उसके बाद मटेरियल वाज 100%, तो मटेरियल 3400 आएगा. फिर लेबर 3240 ना, 3240, और जो ओवरहेड्स है 3160. दीज आर योर आउटपुट जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट के अंदर आता है. वो तो डायरेक्टली बेटा जस्ट कॉपी द क्रेडिट साइड. नो गुड्स कंप्लीटेड 3000 100% एंड योर क्लोजिंग स्टॉक 400, उसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन है अपने पास. चलिए, वंस दिस इज डन वी आर ऑल ओवर फॉर टुडे.